कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन की ये तस्वीर देखिए। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, और इसी प्रदर्शन को की स्थिति इस वक्त कैसे बिगड़ गई, जहां देखिए कैसे इन कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। तो भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन, उग्र होते प्रदर्शन की इस तस्वीर आपने देखी। मेरे सहयोगी शुभम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जब कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन चल रहा है और सीधे वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम कार्यकर्ताओं को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में ये कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और कार्यकर्ता यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप देखिए कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को भी आप यहां पर देख रहे हैं, जो पूरी तरह से भीगे हुए हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन है, वाटर कैनन का इस्तेमाल जो आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से वाटर कैनन छोड़ा जा रहा, जिस प्रकार से युवाओं की आवाज को रोका जा रहा, मध्य प्रदेश के युवा, मध्य प्रदेश की यूथ कांग्रेस हर युवा के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए तैयार खड़ी है। उनके लड़ने के लिए सरकार चाहती है कि हमें सिर्फ सट्टे से पैसा है, युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती, युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिर से अपने विजय मुकेश से कहूंगा जो सारी तस्वीरें दिखाएं। दरअसल कई बार इन कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा चुका है, हटाया जा चुका है वाटर कैनन के इस्तेमाल से कि आप यहां से चले जाइए। लगातार अनाउंसमेंट भी यहां पर, मगर कार्यकर्ता मिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद ये स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार इन कार्यकर्ताओं को हटाने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। और बहुत दिनों बाद देखा है, रिपोर्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का जहां प्रदर्शन हो रहा है, वहां की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और इसी प्रदर्शन में जैसे डटे हुए थे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, उन्हें खदेड़ने के लिए, उन्हें यहां से हटाने के लिए ना सिर्फ पहले बैरिकेडिंग की गई है बल्कि अब वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और भोपाल में रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस के इस प्रदर्शन की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी शुभम। और इस बीच उन्होंने कांग्रेस नेता से भी बातचीत की है और भोपाल में रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस जिस तरीके से सरकार का घेराव कर रही है उसकी तस्वीर आपने देखी।